कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी क्यू विल बोथ रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू पी माइनस एट वाई इक्वल टू टू क्यू प्लस नाइन वैनिश। देखो एक चीज तो ये है, y के साथ लिखा है 2p माइनस 8, इसको 0 के इक्वल पुट कर लो तो 2p 8 हो जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसी तरह 2q प्लस 9 अगर 0 ले लें तो q हमारा हो जाएगा माइनस 9/2। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर ये हो जाएगा मेरा, बस इतनी सी बात निकालनी है। फिर मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस k इक्वल टू 0 हैज कॉम्प्लेक्स रूट। देखो ये भी बहुत है मैं 2x², तो देखो हमारा ना सबसे पहले तो हम ये देखते हैं b हमारा हो गया 6 माइनस 4 फार्मूले का, a की जगह 2 c की जगह k, कॉम्प्लेक्स k की बात हो रही है तो लेस देन 0 का निशान ले लेंगे। 6² 36 और 2 से 8 के, अब देखो किस वैल्यू से ना ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स होगी, कॉम्प्लेक्स तब होगी जब लेस देन 0 आएगा। अगर मैं k की जगह 4 पुट करूं तो भाई 8 4 32 पॉजिटिव आ रहा है, 3 से भी आ रहा है, 0 से भी आ रहा है, खाली ये किससे 5 से, 5 जब पुट करोगे तो 36 माइनस 40 ऑफ कोर्स वैल्यू माइनस पे चली जाएगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इसका। और ये भी देख लें कि x माइनस 1 कह रहे हैं अगर फैक्टर है तो a की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत आसान है यहाँ पर ना, हमें सिर्फ क्या करना है कि x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a के साथ भी 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये माइनस 4 है उधर जाके प्लस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये भी देखो, ये भी एक स्टेप है 1 माइनस 4, अक्सर लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं a माइनस 3 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।